तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में। तो चलिए पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये है क्या, इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे। देखिए अभी पिछले लेसन्स में मैंने आपको मेजरमेंट समझाया था चीज़ों का, उसमें मैंने केजी एंड ग्राम्स के बारे में आपको बताया था। तो 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 grams, 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams। तो अभी हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेम 5 things दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। सो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में बाय करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम्स। मोस्टली ग्राम्स में हम कुछ पाउडरी चीजें होंगी वो बाय करेंगे, या फिर कुछ थोड़ा सॉलिड आइटम्स लाइक आयरन या कुछ गोल्ड आइटम्स रहती हैं, तो वो हम कुछ ग्राम्स में बाय करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गए ग्राम्स में बाय करना हो तो हम क्या करते हैं, हम पहले पल्सेस को भी हम ग्राम्स में बाय कर सकते हैं, लाइक 500 grams, 1/2 kg या फिर 250 grams, तो पल्सेस भी आता है। उसके बाद अगर हमें ग्राम्स में कुछ और चीज़ को करना हो तो हम जो बाय ऑफ करते हैं ग्राम्स में, और ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो वेजिटेबल्स भी आती हैं कुछ, हम अगर ग्राम्स में हम बाय करना चाहें तो हम वेजिटेबल्स को भी देख सकते हैं। बेसिकली जितनी भी लाइट आइटम्स होंगी वो हम ग्राम्स में मेजर करते हैं और ये किलोग्राम्स में। और क्या चीज़ आप डेली यूज़ में, लेटर आप यूज़ करते हैं तो लेटर या पेपर कितना लाइट होता है वो कुछ ग्राम्स में ही होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे चीज़ भी आप एक अमाउंट में ही लेते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइट। फैलावट में चीज़ बड़ी हो लेकिन वेट में अगर लाइट हो तो वो ग्राम्स में ज़्यादा मेजर रहता है। उसके बाद आपका मशरूम्स, अगर आपको किलोग्राम्स में वेट करना है जैसे चीज़ों का तो जो आप डेली यूज़ में सैक ऑफ राइस, बड़े जब आप बोरी लेते हैं पूरी चावलों की, फिर उसके बाद आपका रहता है अ पार्सल, कोई बड़ा पार्सल अगर होगा तो वो केजीज में वेट होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका और भी चीज़ें आती हैं, अ सैक ऑफ राइस, अ पार्सल, कोई मशीनरी आइटम अगर आप लेते हैं तो वो आप किलोग्राम्स में वेट करते हैं। इनफैक्ट आप अपना ह्यूमन वेट भी केजीज में करते हैं। बट आप ये ह्यूमन वेट बाय नहीं कर सकते तो हम इसे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सैक ऑफ फ्राइड, पार्सल, मशीनरी आइटम्स, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है जो हैवी आइटम्स हैं वो बेसिकली केजीज में ही रहती हैं। उसके बाद आप चेयर, टेबल्स और जो आप डेली आइटम्स आप यूज़ करते हैं वो सब आपके जो रहते हैं केजीज में ही रहते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए आप केजीज में ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केजी में ही
वे कर सकते हैं। उसके बाद आप आयरन रॉड्स, आयरन रॉड्स को भी आप आयरन ऑब्वियसली आप केजी में ही करेंगे। और अगर आप देखें तो आप कॉटन जब खरीदते हैं तो वो भी केजी के हिसाब से खरीदते हैं, या फिर वाटरमेलन जब खरीदते हैं आप वाटरमेलन वे कर सकते हैं। तो ये कुछ जर्नल आइटम्स हैं जो आप अपनी डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ करते होंगे। पल्सेस कभी आप 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, वेजिटेबल्स, लेटर, चीज़, मशरूम्स, सैक ऑफ राइस, पार्सल, मशीनरी आइटम्स, आयरन रॉड्स, वाटरमेलन, ये सब आप केजी में वेट करते हैं। बेसिकली जो चीज़ें लाइट होंगी और छोटी होंगी वेट में वो ग्राम्स में होंगी, जो बड़ी होंगी और वेटेड होंगी। कभी कभी हम कहते हैं एक आयरन रॉड एक छोटा सा जो लोहे का आप कह लीजिए कोई आइटम रहेगी या कुछ, तो वो आपको दिखने में तो छोटी लगती है लेकिन वो केजीज में ही वेट ऑफ होती है। अब इसी तरह से अब ये तो था ग्राम्स और केजी, अब हम देखते हैं कुछ आइटम्स से आपको मेंशन है जो आपको बतानी है कौन सी हेवियर है। तो पहले आप एक बार ये लुक दे दीजिए ग्राम्स एंड किलोग्राम्स की थिंग्स पे। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बढ़ती हूँ आगे, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ हेवियर। विच इज़ हैवियर, चलिए देखते हैं विच इज़ हैवियर, 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन, क्या हैवियर रहेगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आई एम श्योर आप कहेंगे 1 kg ऑफ आयरन हैवी रहेगा, पर मैं कहती हूं 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन दोनों का वेट सेम रहेगा। कैसे, देखिए कॉटन कैसी होती है, अगर आप थोड़ी सी भी लेते हैं ग्राम्स में तो वो बहुत फैली होती है, और जब आप 1 kg कॉटन लेंगे तो वो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, मास होगी, या आपके ये जो साइज होगा, या आप मास होता है, देखिए अभी मैं आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपके साथ, मास एंड डेंसिटी। ये पॉइंट क्लियर करने से पहले कि ये दोनों इक्वल है, मैं पहले आपको ये दो शब्द बिल्कुल लेमैन भाषा में समझाना चाहूँगी, मास और डेंसिटी। देखिए मास हो गया है जितना स्पेस एक चीज ने ऑक्यूपाई किया है या जितना स्पेस एक चीज ले रही है वो मास है, और डेंसिटी कितना डेंस है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, वो डेंसिटी है। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगी, ये मेरे पास एक वाटर बॉटल है, ओके अब 500 ml का बॉटल है, ओके 500 ml मीन्स हाफ लीटर का बॉटल है ये। अब अगर आप इसे उठाएंगे आपको एक वेटेड लगेगा ये, और अगर आप इसमें देखिए कि ये 500 ml पानी जो इस बॉटल में है, अगर मैं इसे निकाल दूं, इस पानी को निकाल दूं अगर इस बॉटल से, तो आप अगर इसका वेट करेंगे तो कुछ ग्राम्स में ही इस बॉटल का वेट रह जाएगा अगर इसमें पानी नहीं है। तो क्या है ये मास है कि ये इस समय कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये पानी, ये मास है, ये अमाउंट है, ये आप देखिए इस समय अगर मैंने हाथ में रखा है ये फुल बॉटल, ये कैसे इतना स्पेस ले रही है, तो ये इसका मास है। और डेंसिटी ये है कि ये कितना चौड़ा है, इसने कितनी चौड़ी जगह ली है, कितना इसका साइज है, क्या है, ये इसकी डेंसिटी है। ओके तो अब इसी तरह से अगर मैं एक कॉटन का मास देखती हूँ कि वो कितने अमाउंट में बढ़ा जा रहा है, तो वो काफ़ी बड़ा होगा एक आयरन रॉड से, और जब आप मेजर करेंगे तो वो इक्वल ही आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं एक ये डस्टर की बात करूँ तो एक इसका वेट कुछ ग्राम्स में है, पर आप देखिए ये जगह कितनी ले रहा है पकड़ने के लिए, और इससे मे बी मैं कोई एक हैवी चीज़ ले लूँ, एक आयरन का टुकड़ा ले लूँ, या फिर मैं इसी तरह से कुछ पीतल का ले लूँ जो हैवी होगा, इससे छोटा होगा, हाफ रहेगा साइज में, जगह भी वो कम लेगा लेकिन वो हैवी होगा। तो इसी तरह से सेम हिसाब कॉटन और आयरन का भी है, जितनी कोई जगह ग्रास कर रहा है, कितना डेंस है, उस पे भी होता है। तो विच इज़ हैवियर, 1 kg ऑफ आयरन और 1 kg ऑफ कॉटन। सो मैं कहूँगी बोथ
वेज सेम, बोथ वेज सेम अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड डेंसिटी. और अगर हम उस बेसिस पे देखें तो ऑब्वियसली कॉटन, सॉरी आयरन विल बी हैवियर देन कॉटन. अगर हम नॉर्मली केजीज में ना नापें तो अगर हम देखें तो आयरन इज मोर हैवियर देन कॉटन. तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे. अब इधर आपसे एक पूछा गया है, आउच और आ क्या हैवियर है. अब आउच, अगर आपने आउच किया है, वेरी नाइस क्वेश्चन बुक आस्क्ड यू. इन दोनों में से क्या हैवियर है. आउच ये बोलने में आपका कितना लग रहा है, आ बोलने में कितना इंटेंस लग रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है. तो आ विल बी मोर हैवियर. ओके, सो शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन टू मी. इन रिटर्न गर्ल कहती है, ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन. यस्टरडे यू सेड दैट 1 kg ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 1 kg ऑफ मेलन. तो अभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको मास और डेंसिटी की बात बताया ना, वही यहाँ पे आता है. कॉटन का जब आप कहेंगे बहुत लाइट है, लेकिन जब आप उसको डेंसिटी ऑफ मास में करते हैं तो बढ़ जाता है उसका वेट. उसका वेट एक इक्वेंट टू वाटरमेलन या आयरन रॉड के इक्वेंट हो जाता है. तो ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी केजीज और ग्राम से रिलेटेड. तो अब बढ़ते हैं आप आगे.